पीटर पार्कर या यूं कहूं कि स्पाइडरमैन एक लंबे समय से मार्वल फैंस के दिलों पर राज करता आ रहा है और इसमें जितना बड़ा रोल स्पाइडरमैन और उसके बेहतरीन एक्शन सीन्स का है उतना ही पीटर पार्कर और उसकी पर्सनालिटी का भी है जो कि बाकी किसी भी सुपर हीरो से अलग है। तो दोस्तों आज इस एपिसोड में मैं आपको पीटर पार्कर की पर्सनालिटी के चार ऐसे की पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं देन आप भी पीटर पार्कर की जैसी एक चार्मिंग पर्सनालिटी पा सकते हैं। और हाँ दोस्तों इस एपिसोड में मैं सिर्फ टोबी मैग्वायर वाले स्पाइडरमैन की बात करूंगा ना कि एंड्रयू गारफील्ड या टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की, क्योंकि इन सभी पीटर पार्कर्स की पर्सनालिटी एक दूसरे से काफी अलग है और इसलिए काइंडली आप इन ट्रेट्स को उनसे कंपेयर मत कीजिएगा। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रणब एंड दिस इज द बोरिंग सुपर हीरो। दोस्तों टोबी मैग्वायर वाले पीटर पार्कर की पर्सनालिटी से जो पहली चीज आप सीख सकते हैं वो है हर सिचुएशन में अपने आप को काम एंड कूल बनाए रखना, फिर चाहे उस सिचुएशन में आपको कितना ही गुस्सा आए या दुख फील हो। अब दोस्तों आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि पीटर पार्कर की तो पर्सनालिटी ही इंट्रोवर्ट वाली है तो उसके लिए काम एंड कूल रहना कोई बड़ी बात नहीं है, बट नो, आप गलत हैं। पीटर के इंट्रोवर्ट होने या ना होने का इससे कोई लेना देना नहीं है बल्कि ये उसके चॉइस पर डिपेंड करता है। दोस्तों पीटर पार्कर जब स्पाइडरमैन नहीं बना हुआ होता है तब वो आइदर कॉलेज में होता है या अपने पार्ट टाइम जॉब पर, और क्योंकि उसे बार बार स्पाइडरमैन बनना ही पड़ता है तो इस चक्कर में उससे कई बार गलतियां भी हो जाती है जिसकी वजह से कि उसे दूसरे लोगों से डांट खानी पड़ती है। आप गिन कर देख लीजिए, कॉलेज के प्रोफेसर, जेमिसन, पार्ट टाइम जॉब का ओनर, मकान मालिक और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि पीटर पर अक्सर चिल्लाते रहते हैं। बट यहाँ जो पॉइंट आपको नोटिस करनी चाहिए वो यह है कि इतने सारे नेगेटिविटी से घिरे होने के बावजूद पीटर हमेशा अपने मन को शांत रखता है, वो रिटर्न में दूसरों पर नहीं चिल्लाता है। अब दोस्तों अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जितना हो सके उतना अपने आप को काम रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि दोस्तों किसी पर चिल्लाना या गुस्सा करना इजी है, कोई भी कर सकता है, बट एक शांत मन और मैच्योर माइंडसेट के साथ सिचुएशन को हैंडल करना ये सबके बस की बात नहीं है और इसलिए ऐसे लोगों की पर्सनालिटी हमेशा भीड़ से अलग रहती है और उभर कर सामने आती है। दोस्तों बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है, ये तो आपने सुना ही होगा, बट तब क्या करना है जब कई सारी जिम्मेदारियां एक साथ आ जाए, ये किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। पीटर पार्कर के साथ भी यही केस है, उसे स्पाइडरमैन की ड्यूटी भी करनी होती है, जॉब वगैरह भी संभालना होता है और अपने पर्सनल रिलेशनशिप को भी टाइम देना होता है, बट द पॉइंट टू नोट हियर इज पीटर अपनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ बैलेंस करके चलता है और वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसने अपनी सारी जिम्मेदारी या यूं कहूं ड्यूटीज को प्रायोरिटाइज कर दिया है और वो उसी के मुताबिक अपने फैसले लेता है। अब हाँ वो कभी कभी गड़बड़ जरूर करता है, बट अगेन इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वैसा होना तो स्वाभाविक है। पीटर के लिए हमेशा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है स्पाइडरमैन की ड्यूटी करना, फिर आते हैं उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली और आखिर में उसके पर्सनल नीड्स एंड जॉब। पीटर अपने पर्सनल नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में वो इवन अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी अवॉइड कर सकता है, बट स्पाइडरमैन की ड्यूटी से वो कभी मुंह नहीं मोड़ता। अब दोस्तों आज के इस बिजी लाइफस्टाइल में हम सबका हाल भी कुछ कुछ पीटर की तरह ही हो गया है। डे टू डे लाइफ में हमारे पास इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं करने के लिए कि हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है और कौन सा काम नहीं भी करे तो चलेगा। दोस्तों पीटर पार्कर की पर्सनालिटी से जो दूसरी चीज हमें सीखनी चाहिए वो है अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करना, यानी कि उन कामों पर ज्यादा फोकस करना जो कि एक्चुअली में आपके लिए करना जरूरी है। दोस्तों टोबी मैग्वायर के पीटर पार्कर से जो थर्ड पर्सनालिटी ट्रेट आप सीख सकते हैं वो है इंडिपेंडेंट बनना, एंड इंडिपेंडेंट से यहाँ मेरा मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या रेबेलियसली इंडिपेंडेंट बनना नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, यानी कि अपने फैसले खुद से लेना। स्पाइडरमैन की पूरी ट्रायोलॉजी में पीटर को एक इंडिपेंडेंट थिंकर एंड एक गुड डिसीजन मेकर की तरह दिखाया गया है, जहां हमें ये देखने को मिलता है कि पीटर अपने रोजमर्रा के सारे फैसले खुद ही करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। इस वाले पीटर पार्कर के पास टोनी स्टार्क या ग्वेन स्टेसी जैसे लोग नहीं हैं जो कि उसे प्रॉपर गाइडेंस एंड मोरल सपोर्ट दे सकें, और इसलिए द ओनली पर्सन ही कैन डिपेंड ऑन इज हिमसेल्फ। अब दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप एक नजर डालें अपनी लाइफ पे और कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ सोचें कि क्या आप सच में मेंटली इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि भगवान ना करे कल को अगर आपके आसपास आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली नहीं होते हैं देन क्या आप मेंटली इतने स्ट्रांग हैं कि आप उस हालात में भी सर्वाइव कर सकें।
दोस्तों पीटर पार्कर मेंटली इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो खुद से अपने फैसले ले सकता है, अब चाहे वो फैसला सिंपल सा हो या लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड। और दोस्तों उसकी पर्सनालिटी से आप कोई और बात सीखे ना सीखे, बट ये क्वालिटी आपको सीखनी ही चाहिए। दोस्तों पीटर पार्कर की पर्सनालिटी से जो चौथी पॉइंट आप सीख सकते हैं वो दरअसल एक ऐसी पॉइंट है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ टोबी मैग्वायर वाले स्पाइडरमैन के अंदर ही देखने को मिलेगी, एंड दैट इज वेहेमेंट एटीट्यूड, यानी कि डूइंग स्टफ ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। अब अगर आप स्पाइडरमैन 1 में गॉब्लिन से और स्पाइडरमैन 3 में वेनम से हो रही उसकी फाइट्स को देखेंगे, देन आपको ये देखने को मिलेगा कि जब स्पाइडरमैन उन दुश्मनों से लड़ रहा था तब उसकी पर्सनालिटी कम्प्लीटली अलग थी एज कम्पेयर टू जब वो अपने नॉर्मल फॉर्म में था। अब दोस्तों ऐसा इसलिए था क्योंकि जिन दुश्मनों से पीटर लड़ रहा था उन्होंने कहीं ना कहीं पीटर के सेंटिमेंट्स पर वार किया था, जैसे कि आंट मे को डराना और मेरी जेन को किडनैप करना। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पीटर ने अपनी सिंपल सोबर पर्सनालिटी को एक ऐसी पर्सनालिटी में बदल लिया जो कि उसके जीतने के लिए जरूरी थी। अब दोस्तों अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो यहाँ सिचुएशन डेफिनेटली इतनी इंटेंस नहीं है। यहाँ ना कोई किसी को रैंडमली किडनैप कर रहा है और ना ही आपको किसी विलन से लड़ना है। बट माय पॉइंट हियर इज कि अगर आपने अपने लाइफ के क्रूशियल मोमेंट्स पर पीटर की इसी वेहेमेंट एटीट्यूड का इस्तेमाल किया, देन उस परिस्थिति में आपके जीतने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज अभी आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, देन बजाय नर्वस होने के या क्या होगा क्या नहीं ये सोचने के, आप ऐसा सोचिए कि अगर आपने इस एग्जाम में 90 अबव मार्क्स नहीं लाए, देन फॉर से आपको स्कूल से रस्टिकेट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। अब ऐसा करने से ना केवल आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा बल्कि ये आपके फीलिंग्स को भी एक सेट पॉइंट पर फोकस करेगा जो कि इन द लॉन्ग टर्म आपको अपने काम में जीत दिलाएगा। तो दोस्तों ये थे पीटर पार्कर की पर्सनालिटी के चार ऐसे की पॉइंट्स जिन्हें कि आप भी अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर आप भी पीटर की तरह एक चार्मिंग पर्सनालिटी पाना चाहते हैं। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, एंड टिल देन एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, एंड बी द बोरिंग सुपर हीरो।